बच्चे राष्ट्र का भविष्य, बच्चे मानवता की नींव, बच्चे संस्कृति के वाहक, इंसानियत की सन्मार्ग की राह पर विश्व को देश को लाना है तो इन खिलती गलियों को सच्ची शिक्षा के साथ साथ अच्छे और सात्विक भोजन की भी बड़ी आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं सामने आ गई। उन्हीं योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ महानुभाव स्वयं स्फूर्ति से शामिल हो गए। उन्हीं में से एक महानुभाव थे पद्म भूषण बद्री नारायण बारवाले, जो भारत में अन्न स्वयंपूर्णता और हरित क्रांति जगन्नाथ रथ के एक अग्रणी सेनानी रहे हैं। उनकी भेंट जब अन्नामृत औरंगाबाद प्रकल्प पर अन्नामृत फाउंडेशन के प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर राधाकृष्ण दास जी से हुई तो उन्होंने उनसे अपने जालना शहर में इस प्रकल्प को लाने की मंशा व्यक्त की। यह मंशा केवल मन में ना रहते हुए सत्यता में तब्दील होने लगी जब इस नेक विचार को श्री राजेंद्र बारवाले तथा डॉक्टर उषा जेहर का साथ मिला और पोषणमयी अन्नामृत बीज को अंकुरित किया गया। उससे पुरजोर साथ मिली महिको मॉन्सेंटो बायोटेक के दायित्व की और गोल्डन एजुकेशन सोसाइटी के भूमि सहकार्य की और निर्माण शुरू हुआ अन्नामृत सेंट्रलाइज्ड किचन जालना का। अन्नामृत सेंट्रलाइज्ड किचन जालना प्रकल्प अन्न निर्मिति तथा अन्न सेवा के उच्चतम मानकों को ध्यान में रखकर निर्मित प्रकल्प है, जिसमें हाइजीनिक तथा पोषण युक्त मध्यान्न भोजन बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जैसे स्वच्छ परिसर, स्वच्छ जल हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कर्मचारियों के व्यक्तिगत पर्याप्त हाइजीनिक स्टेशन, स्टीम कुकिंग के लिए कोल रोन्स, स्वयंचलित राइस हॉपर, दाल हॉपर तथा पुलाव और हलवा स्टेशन, इडली सांबर स्टेशन, साइलो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और विशेषतः प्राइमरी फूड लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सज्ज है। इन्हीं अत्याधुनिक सुविधाओं के चलते भारत सरकार के कुपोषण मिटाने हेतु शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु पोषण अभियान, राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना तथा महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित शालेय पोषण आहार योजना में गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं देने हेतु निर्मित पद्म भूषण डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले सेंट्रलाइज्ड किचन अन्नामृत फाउंडेशन जालना प्रकल्प आचार्य शील प्रभुपाद जी के चरणों में तथा जालना स्थित बालक पालक और जनसामान्यों को समर्पित करते हुए हम हर्षोल्लासित और विनम्रता पूर्वक भावुक है। और विशेष रूप से ये लोकार्पण श्री भगत सिंह कोश्यारी माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र इनके करकमलों द्वारा आदरणीय अतिथियों के उपस्थिति में होना ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक कदम सशक्त और समृद्ध भारत की ओर।